हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। हमारा नया लेसन स्टार्ट हो चुका है। इसमें लेसन नंबर 6 फ्रैक्शन। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था अपना फ्रैक्शन, किया था हमने जिसमें कि हमने फ्रैक्शन जाना था। फ्रैक्शन क्या है आपका? किसी भी आपके पास कोई भी एक चीज़ है जो कि पूरी है, ठीक है, तो उसको बराबर हिस्सों में बाँटना। तो जितने भी आप हिस्से करेंगे वो आपके क्या होंगे, बिल्कुल क्या होंगे, इक्वल। यानी कि ये हिस्सा भी बराबर होगा, ये वाला भी हिस्सा, ये हिस्सा भी, और ये हिस्सा भी क्या है, बराबर। यानी कि एक आपके पास कोई रोटी है और उसके आपने चार क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए, चारों ही टुकड़े क्या हैं इसके, बराबर है। तो जो हर एक बराबर वाला पोर्शन है, यानी कि जो ये भाग है, ये भी आपका 1/4 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 है, एंड ये भी आपका 1/4 है। तो हर जो एक रोटी का जो टुकड़ा है, हर एक भाग है, वही हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, भिन्न। अब यहाँ पे देखिए पेज नंबर 57 में आपकी एक्सरसाइज है, और पेज नंबर 56 में यहाँ पे देखिए, इसको पहले देख लीजिए आप। पेज नंबर 56 में यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन के बारे में यहाँ पे कुछ थोड़ा सा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फिगर बनी है, यहाँ पे ये पूरी एक फिगर है यहाँ पे, ठीक है, इसका कोई भी डिवीजन नहीं हुआ है। तो ये 1/2 है, यानी कि इसका शेडेड पार्ट क्या है, 1/2, क्योंकि पूरा है, इसका कोई डिवीजन नहीं हुआ है। तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन भी क्या हुआ, इसका 1 ही हुआ। और यहाँ पे अनशेडेड पार्ट भी, आपको कोई अनशेडेड पार्ट आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका डिवीजन भी नहीं हुआ है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपके पास क्या है, होल है, साबुत है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए आप, देखें यहाँ पे एक फिगर बनी है आपके रेक्टेंगल, और इसके दो भाग हैं, तो 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1, यानी कि एक आपके पास रेक्टेंगल था और उसको दो भागों में क्या कर दिया, डिवाइड, यानी कि 1/2। 1 क्यों, 1 तो मतलब 1 जो ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, वो क्या है, पूरा, कोई भी चीज़ आपके पास पूरी है वो। और नीचे यानी कि उसको दो भागों में या चार भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया है। फिर यहाँ पे देख लीजिए, फिर क्या है आपके पास, नंबर ऑफ फ्रैक्शन यानी कि 1/2 हुआ। शेडेड पार्ट इसको हम क्या बोलेंगे, 1/2, यानी कि 1/2, यानी कि 1/2, आधा। फिर फ्रैक्शन अनशेडेड पार्ट कितना हुआ इसका, इसका 1/2, यानी कि एक पार्ट शेड है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1/2। जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए 8 इक्वल पार्ट्स वाला, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसको 8 भागों में डिवाइड किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 1 आपके पास रेक्टेंगल था, इसको 8 भाग में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, बांटा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1/8, क्या बोलेंगे इसको, 1/8। और इसको फ्रैक्शन फॉर्म में हम किस तरीके से लिखेंगे, 1/8 लिखेंगे। और इसका सिर्फ क्या है, एक भाग क्या है, शेडेड है, यानी कि क्या है, ढका है, शेड कर रखा है उसको। तो तभी भी हम क्या लिखेंगे, तो यानी कि क्या है आपके पास, 1/8। और अनशेडेड पार्ट अगर हम पूछेंगे इसमें, तो अनशेडेड में क्या हो गया, यानी कि 8 तो नीचे का नीचे रहेगा, क्योंकि ये तो इसका डिवीजन है, इसको भाग 8 भागों में से बांटा गया है। और अनशेडेड मतलब जो कि शेडेड नहीं है, जिनको हमने भरा नहीं है, उस वो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा, 7/8। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपने इसको एक बार आप इसको पढ़ लीजिए ढंग से, सेम टाइप के हैं ये, एक जैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका शेडेड आप बताना है आपको, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन बताना है, यहाँ पे आपको अनशेडेड पार्ट बताना है। तो इसी से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आप देख लेंगे। एक और चीज़ आप करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, आपने घर पे कोई पेपर लेंगे आप, जो क्या हो, बिल्कुल बराबर हो, ठीक है, लेंथ वाइज, विड्थ वाइज क्या हो, बिल्कुल बराबर हो, और आपने उसको फोल्ड करते हुए उसके दो टुकड़े करने, यानी कि 1/2 करना है आपने, एक पेपर को बनाना है, 3 भागों में उसको बराबर बांटना है, और फिर आपको 4 भागों में उसको क्या करना है, बराबर बांटना है। तो ये आपको छोटा सा प्रैक्टिकल है, इसको आप देख लीजिए, करेंगे आप। यहाँ पे एक्सरसाइज देख लेते हैं हम, पेज नंबर 57 में आपकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, तो वो हम करेंगे। यहाँ पे देखिए लेसन नंबर 6 आपका फ्रैक्शन, पेज नंबर 56 एंड 57 में ही आप ये कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम करेंगे। फर्स्ट है आपका, गिव द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट ऑफ ईच।
अब आपको शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताना है, ठीक है, यानी कि जो क्या है शेड हो रखा है, यानी कि जो ढका है। यहाँ पे देखिए, एक आपका ये फिगर बनी है आपके पास, ठीक है, इस तरीके से ये फिगर है आपके पास, और इसको चार भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया, यानी कि 1/4, और उसका एक भाग क्या हो रखा है, सिर्फ आपका शेड हो रखा है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, 1/4, यानी शेडेड पार्ट कहाँ आ गया आपके पास, 1, और चार भागों में डिवाइड किया गया, तो वो कहाँ आ गया आपके पास, डिनोमिनेटर। नेक्स्ट इसी तरीके का आपका 2 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, ये आपका एक रेक्टेंगल है और इसे चार भागों में क्या किया गया, डिवाइड, 1, 2, 3 and 4, यानी कि 1 पार्ट ये है, 2, 3 and 4, इसके कितने भाग क्या है शेडेड है, ये भी शेड है इसका, ये भी शेडेड है और ये भी शेडेड है, तो 3 भाग इसका क्या है शेडेड है, आपको शेडेड पोर्शन बताना है, शेडेड पार्ट बताना है, तो 3 भाग ऊपर लिखेंगे हम इसके, यानी कि जो शेडेड है, जो ढके हैं, और 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया वो हम नीचे लिखेंगे, तो जो डिवाइडेड होगा, यानी कि जितने भागों में इसको डिवाइड किया गया उसको हमेशा कहाँ लिखेंगे, हम डिनोमिनेटर करेंगे, और यहाँ पे शेडेड पार्ट बताना था आपने, तो यहाँ पे कितने पार्ट शेडेड है, 3, तो हमने न्यूमरेटर क्या लिखा है इसका, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 शेडेड पार्ट था, तो उसको न्यूमरेटर क्या हुआ आपके पास, 1/4, और डिवाइड कितने भागों में है, 4, तो 1/4। इसी तरीके से बी क्वेश्चन है आपका, शेड द पोर्शन इंडिकेट द फिगर। अब यहाँ पे शेडेड नहीं है, आपने खुद शेड करना है, आपको 5/6 आपको फ्रैक्शन मिला है, 5/6, ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन मिला है, तो आपका फिगर कुछ इस तरीके से थी, ये देखिए, ये आपका फिगर आपको मिली है, ये आपकी फिगर है। अब क्वेश्चन क्या है आपके पास, 5/6, ठीक है, तो 6 भागों में तो ये डिवाइड है, यानी कि 1 एक भाग है इसका, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये 6 पार्ट्स हैं इसकी, यानी कि 1 फ्रैक्शन ये, 2, 3 and 4 and 5, 6, तो इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो 5 यानी कि ऊपर वाला हमारा क्या है, इसको हमने क्या करना है, शेड करना है, तो कोई भी आप 5 भाग इसके क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, ये एक हमने ये कर दिया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये, तो आपका एक रह गया यहाँ पे, तो 5/5 हो गया यहाँ पे 6। नेक्स्ट फिगर आपकी सेम इसी तरीके से थी, यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल आपको मिला है, ठीक है, और इसको कितने भागों में बांटा गया है, 8, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिल गया, 3/8, ये आपको फ्रैक्शन मिला है, तो 8 तो इसके भाग हो गए, और 3 भाग को आपने क्या करना है, इसके शेड करना है, किसी को भी कह लीजिए, एक हमने ये कर दिया, एक हमने ये कर दिया और तीसरा हमने ये कर दिया, तो 3/8। सी वाला भी आपका सेम इसी तरीके से है, शेड द करेक्ट फ्रैक्शन ऑफ ईच करेक्शन। यहाँ पे देखिए कुछ आपको बॉल्स मिली है, 12 बॉल्स हैं ये, फ्रैक्शन आपको यहाँ पे गिवन है, 8/12, ठीक है, फ्रैक्शन आपको यहाँ पे मिला है, और बॉल्स आपके ये हैं, तो आपके पास 12 बॉल थी इस तरीके से, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 8 बॉल्स हमने क्या करनी है, इसमें शेड करनी है, तो इसको एक 1 कर दीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, तो 12 आपके पास टोटल बॉल है और 8 उसमें से क्या है आपकी शेडेड बॉल है, तो किसका फ्रैक्शन क्या बन गया आपका, 8/12, ये फ्रैक्शन आपको गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, शेड करना है, तो ये आपके फ्रैक्शन के ऊपर कुछ बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे, ये आप प्रैक्टिस करेंगे इनकी। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 57 में कुछ क्वेश्चन हैं आपके, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके फ्रैक्शन बताना है आपने, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन मिला है, तो आपने शेड करना है पोर्शन। सी वाले में भी सेम है आपका, यहाँ पे भी आपको फ्रैक्शन गिवन है, कुछ इमेजेस गिवन है, तो उसमें भी आपने क्या करना है, शेड करना है, तो ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू क्लास।